दोस्तों यश आज टॉलीवुड इंडस्ट्री के एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं, जिनको आज हम रॉकी भाई के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों जब इनकी फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 आई तो ये बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। एंड दोस्तों इनकी केजीएफ चैप्टर 1 आने के बाद लोगों में यश का और केजीएफ का इतना ज्यादा क्रेज हो गया कि जब इनकी केजीएफ का चैप्टर 2 रिलीज किया गया तो उसने 1000 करोड़ से भी ऊपर की कमाई कर ली। एंड दोस्तों आज यश यानी रॉकी भैया को बड़े बड़े सुपरस्टार्स में शुमार किया जाता है। एंड दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को रॉकी भैया के ही लाइफस्टाइल के बारे में बताएंगे। सो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रॉकी भैया की बायोग्राफी से। दोस्तों रॉकी भैया का रियल नेम है नवीन कुमार। दोस्तों ये 8 जनवरी 1986 को कर्नाटका इंडिया में पैदा हुए। दोस्तों 2022 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी है 36 साल। दोस्तों रॉकी भैया को बचपन से ही एक्टिंग का बेहद शौक था एंड इनका पढ़ाई में शुरू से ही दिल नहीं लगता था। एंड दोस्तों रॉकी भैया अपने स्कूल के हर ड्रामा कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी किया करते थे। दोस्तों रॉकी भैया को एक्टिंग का इतना ज्यादा क्रेज था कि उन्होंने सिर्फ 10th क्लास के बाद ही अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया। जब उन्होंने ये बात अपने फादर से कही तो उनके फादर ने उन्हें पढ़ाई पूरी करने का कहा। एंड दोस्तों इसके बाद यश ने महाजना एजुकेशन सोसाइटी से अपनी ग्रेजुएशन की। एंड दोस्तों अगर बात करें रॉकी भैया के प्रोफेशन की तो ये प्रोफेशन से एक एक्टर एंड प्लेबैक सिंगर हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं रॉकी भैया के कैरियर की। दोस्तों यश ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अपनी एक्टिंग स्किल्स को और ज्यादा बढ़ाने के लिए एक एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया। एंड दोस्तों इनकी अच्छी एक्टिंग को देखते हुए इनको टीवी सीरियल्स में काम भी मिला। एंड दोस्तों यश का पहला टीवी सीरियल 2004 में रिलीज हुआ, जिसका नाम था नंदा गोकुला। दोस्तों यश को ड्रामा सीरियल्स में तो काम मिल गया था, बट इनका जो मेन गोल था वो था मूवीज में काम करना। एंड दोस्तों फाइनली यश ने 2007 में अपनी लाइफ की पहली मूवी में काम किया, जिसका नाम था जम्बदा होगुदू। दोस्तों इस मूवी में यश को छोटे से कैरेक्टर से एक बहुत बड़ी पहचान मिली। एंड दोस्तों 2008 में इनकी एक और मूवी आई, जिसका नाम था मोगिना मनासू। एंड दोस्तों इस मूवी में यश ने एक सपोर्टिंग कैरेक्टर का रोल किया था। एंड दोस्तों इसके बाद फाइनली यश को 2009 में आई फिल्म गोकुला में लीडिंग रोल करने का मौका भी मिला। एंड दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही सुपरहिट रही। एंड दोस्तों 2013 में ही रॉकी भैया की एक और फिल्म आई, जिसका नाम था गूगली रिलोडेड। एंड दोस्तों इस फिल्म ने भी आते साथ ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दी, जिससे रॉकी भैया की फैन फॉलोइंग और भी ज्यादा बढ़ गई। एंड दोस्तों इसके बाद फाइनली 2018 में आया इनकी लाइफ का सबसे अच्छा वक्त, जिसको आप यश की लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं, जब इनकी मूवी केजीएफ चैप्टर 1 रिलीज हुई। दोस्तों इस मूवी ने रिलीज होते ही सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रॉकी भैया की फैन फॉलोइंग बढ़ा दी। एंड दोस्तों इनकी इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 250 करोड़ रुपए रही थी। एंड दोस्तों इसके बाद लोगों को बेसब्री से इंतजार रहा केजीएफ चैप्टर 2 का। एंड दोस्तों फाइनली 14 अप्रैल 2022 को रॉकी भैया की केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज हुई। एंड दोस्तों रॉकी भैया की ये मूवी केजीएफ चैप्टर 2 ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दोस्तों अगर बात करें केजीएफ 2 की लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो इसका लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1000 करोड़ से भी ज्यादा है। दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 के आते ही रॉकी भैया हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में भी शामिल हो चुके हैं। एंड दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 में संजय दत्त के अधीरा विलन वाले कैरेक्टर और रॉकी भैया की एक्टिंग का कौन कौन फैन है कमेंट्स करके जरूर बताना। चलिए दोस्तों अब आपको मिलाते हैं रॉकी भैया की फैमिली से। दोस्तों अगर बात करें यश के फादर की तो इनके फादर का नाम है अरुण कुमार। एंड दोस्तों इनकी मदर का नाम है पुष्पा। एंड दोस्तों यश की एक बहन भी है, जिसका नाम है नंदिनी। एंड दोस्तों अगर यश के मैरिड स्टेटस की बात करें तो वो मैरिड हैं एंड उनकी वाइफ का नाम है राधिका पंडित। एंड दोस्तों यश के दो बच्चे भी हैं, इनकी एक बेटी है जिसका नाम है आयरा एंड इनका एक बेटा भी है जिसका नाम है आयुष। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं रॉकी भैया की इनकम की। दोस्तों यश एक मूवी के 8 से 9 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। एंड दोस्तों इनकी ज्यादातर इनकम ब्रांड इंडोर्समेंट से आती है, जिसका ये 1 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। एंड दोस्तों इनकी हाल ही में आई फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के लिए इन्होंने 25 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं रॉकी भैया के नेटवर्थ की। दोस्तों अगर इनके नेटवर्थ की बात करें तो 2022 के हिसाब से रॉकी भैया की नेटवर्थ है तकरीबन 80 करोड़ रुपए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं रॉकी भैया के हाउस के बारे में। दोस्तों रॉकी भैया अपनी फैमिली के साथ प्रेस्टीज गोल्फ अपार्टमेंट में रहते हैं, जो कि बेंगलोर कर्नाटका में है। दोस्तों इनके इस घर की कीमत है 5 करोड़ रुपए। चलिए दोस्तों बात करते हैं रॉकी भैया के कार्स कलेक्शन की। दोस्तों रॉकी भैया के पास पहली जो कार है वो है मर्सिडीज बेंज डीएलएस 350D, जिसकी कीमत है 85 लाख रुपए। एंड दोस्तों इसके अलावा रॉकी भैया के पास मर्सिडीज बेंज जीएलसी 250D भी है, जिसकी कीमत है 78 लाख रुपए। एंड दोस्तों इसके अलावा रॉकी भैया के पास एक ऑडी Q7 भी है, जिसकी कीमत है 80 लाख रुपए। एंड दोस्तों इसके अलावा रॉकी भैया के पास एक BMW 520D भी है, जिसकी कीमत है 70 लाख रुपए। एंड दोस्तों इसके अलावा रॉकी भैया के पास एक रेंज रोवर
डॉग भी है एंड इसकी भी कीमत है 70 लाख रुपए। एंड दोस्तों इन सब के अलावा रॉकी भैया के पास एक पजेरो स्पोर्ट्स SUV भी है जिसकी कीमत है 35 लाख रुपए। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं रॉकिंग स्टार यश के लाइफ स्टाइल पे बनी आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। सो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।